इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। जहां एक दिन में आपको 300-300 पेशेंट्स का ओपीडी देखना पड़ता है। लगातार हमले हो रहे हैं, पूरे देश के हर हिस्से में हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, कि एक फीमेल डॉक्टर थी, उनको लातों से मारा। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई जूनियर डॉक्टर की हड़ताल अब देश भर में फैल गई है। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना से मेडिकल एसोसिएशन में गुस्सा है और उन्हें पूरे देश के डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टर ने भी हड़ताल और प्रदर्शन किया है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक कॉलेज को लेके नहीं है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, एक इंटर्न पे हमला हुआ और वो इतना प्राणघातक हमला था कि उसकी जान खतरे में थी। ठीक है, अभी तो वो लड़का रिकवर कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग, एक पेशेंट आता है उसके साथ 200-200 पार्टी लोग आ जाता है और देखते नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। उनको कुछ पता नहीं रहता है कि पेशेंट के साथ हुआ क्या है, पेशेंट किस हाल में आया था। उनको तो ये लगता है कि पेशेंट हमारा ठीक था और डॉक्टर मेरे पेशेंट को मार दिया, ऐसा ही उनका लैंग्वेज रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए यहाँ पे है। हम लोग मेडिकल सर्विस तभी दे पाएंगे जब हम फ्री रहेंगे, हम थोड़ा जब रिलैक्स माइंड में रहेंगे, जब हम सोच पाएंगे तभी तो सर्विस दे पाएंगे। अगर ऐसे हमले होते रहे तो हम अंडर प्रेशर काम करेंगे, उससे मेडिकल सर्विस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये लोगों को समझना होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने अब ये करना चाहिए कि डॉक्टर लोगों पे जो जितने हमले बढ़ रहे हैं उसके अनुसार इनके कोई इतने लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट इस पर कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इसीलिए इस बार IMA ने घोषित किया है कि आज नेशन वाइड पूरा प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, और पूरा कंट्री में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत जगह पे ओपीडी बंद है, लेकिन अपने यहाँ पे ओपीडी शुरू है, इमरजेंसी सर्विसेज भी शुरू है। हमारा सिर्फ ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट इस पे जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले और डॉक्टरों पे जो प्राणघातक हमले हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द थमाया जाए, या फिर डॉक्टर लोग अगर फ्री माइंडली काम नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में जनता ही सफर होगी, ये जनता को समझना चाहिए। ठीक है, अपना नाम डॉक्टर पवन कदम। मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार है, मैं एनेस्थीसिया रेजिडेंट हूँ। सरकार हमारे जो इश्यूज़ हैं उसको नज़रअंदाज कर रही है। लगातार हमले हो रहे हैं, पूरे देश के हर हिस्से में हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो। झारखंड में तो हमारे यहाँ गोड्डा की एक फीमेल डॉक्टर थी, उनको लातों से मारा था मरीज के परिजनों ने। तो ये सब घटनाएँ जो हैं सो इससे मरीजों को जो सेवाएँ मिल रही हैं यहाँ पर, जो हमें लिमिटेशंस जो हैं हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं नहीं हैं, इन कम सुविधाओं के बावजूद हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं कि मरीजों को सारी सुविधाएं मिले, पर उसके बाद भी जो परिजनों का व्यवहार है डॉक्टरों के साथ, ये विचारणीय है। इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाने का प्रावधान था, सरकार 3-4 सालों से इसको लटका रही है, बार बार आता है और उसका कैबिनेट में जाता है, वापस लौट के आ रहा है। तो पता नहीं सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट दोनों का बल मिलना चाहिए, इसको पास कराया जाए, ताकि जो लोग ऐसी ज़रूरत करते हैं अस्पताल को नुकसान करने की, यहाँ के डॉक्टर्स को नुकसान करने की, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये कितने दिन का है, सिर्फ आज है या फिर? ये हम लोग आज कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार है, मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस तरह के, इवन पूरे इंडिया में डॉक्टर जिस कंडीशंस में काम करते हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं जहाँ रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम हैं, ऐसी कंडीशंस में काम कर पाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। जहाँ एक दिन में आपको 300-300 पेशेंट्स का OPD देखना पड़ता है, साथ में इमरजेंसी भी देखना पड़ता है। मैं बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूँ, वहाँ पे जिस दिन मैंने मेडिकल ऑफिसर का जॉब ज्वाइन किया था, मुझे पहले दिन 300 पेशेंट्स का OPD प्लस साथ में आपको कैजुअल्टी भी देखना था, प्लस में 2 पोस्टमार्टम भी करने थे, साथ में जो मेडिकल इसके लिए आते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, उनको भी कम से कम 100 ऐसे थे जिनको अपना मंजूरी देना था कि ये मतलब 60 साल से बुजुर्ग हैं,
तो ऐसे कंडीशन में अगर एक भी गलती मेरे से हो जाता है तो मेडिको लीगल में मैं खुद फंस सकता हूँ, क्योंकि ये गलत साइन मेरा उसको अगर किसी ने भी चैलेंज कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे चांस हैं कि आप गलती कर बैठेंगे, तो ऐसी कंडीशन में काम कर पाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से जब ममता बनर्जी जी कहती हैं कि मतलब पुलिस वाले भी मरते हैं काम करते हुए, तो वो तो प्रोटेस्ट नहीं करते, तो उस चीज़ को इसके साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है। देश में जब बॉर्डर पे जवान मरता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, सब लोग रोते हैं और उनके लिए इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। हम भी अपना काम करते हैं, कितनी सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं, मरीज़ डेंगू के साथ आता है हमें भी डेंगू होता है, मलेरिया होता है, स्वाइन फ्लू के साथ आया हमें भी स्वाइन फ्लू हो सकता है, मर भी जाते हैं, टीबी एचआईवी का प्रिक हो जाता है, तो कोई साथ नहीं देता, कोई सरकार साथ नहीं देती है, हमें अपने आप से इम्यूनोग्लोबिन लगाना पड़ता है, 50-60 हज़ार रुपये का या जितने का भी खर्चा खुद से उठाना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। अभी मेरे साथी को हेपेटाइटिस बी का प्रिक हो गया था, उसका साथ किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया, खुद से अपने 40 हज़ार रुपये दे के उसने इंजेक्शन लगवाया। तो अगर कंपेयर करना है तो इसके साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम है उस पर अगर हमें कुछ हो रहा है तो उसके साथ कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से गुंडे आके हमें पीट रहे हैं उसके साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना कि पुलिस वाले भी मर रहे हैं तो आप भी मरो, वो तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें स्वाइन फ्लू होता है, हम तो नहीं कहते कि भाई हमें स्वाइन फ्लू हो गया ड्यूटी के टाइम पे, डॉक्टर मरे हैं, गुजरात में हेमरेजिक फीवर हुआ था, कितने डॉक्टर मरे लेकिन उन्होंने तो सर्विस नहीं छोड़ी। इबोला वायरस केरला में हुआ, कोई पीछे नहीं हटा, सब ने अपना सपोर्ट दिया, फिर भी पेशेंट्स को देखा। अगर उसमें हम पीछे हटते हैं तो हम मुजरिम आप कह सकते हैं एक तरह से, कि हम अपना ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कोई आके मरीज, पहले तो मरीज के कितने, एक अटेंडेंट या दो अटेंडेंट फिक्स होना चाहिए कि जो उसके क्लोज रिलेटिव हैं उसको, अभी आज एक जने को बता दिया 10 मिनट बाद दूसरा जना आएगा कि हाँ जी हमारे मरीज को क्या हुआ, हमें तो किसी ने बताया नहीं, फिर 10 मिनट के बाद फिर तीसरा आएगा, कितनों को आप बताएंगे? एक टाइम आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट खुद हो जाओगे, क्योंकि आप इमरजेंसी में किस लिए हैं? मरीज इतनी एक बार बता सकते हैं आप, बार बार तो नहीं ना बताएंगे, तो उसमें वो उसको बुरा लग जाता है कि हमें बता ही नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें समझनी होगी। ये जो आप कर रहे हैं क्या नेशनल लेवल पर चल रहा है? ये नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट है। यहाँ पर कितने भी डॉक्टर हैं? हम यहाँ पे जितने भी लगभग डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, सभी स्ट्राइक पे हैं और आज के लिए हमने काम बंद रखा है। हो सकता है लोगों को ये लग रहा होगा कि मतलब इसमें नुकसान जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो लोगों, आम लोगों का ही हो रहा है। होता क्या है कि अब अगर ऐसे माहौल में हम काम करेंगे, जैसे एक छोटे शहर का एग्जांपल दें, वहाँ डॉक्टर इतना अकेला अगर क्लिनिक पे काम कर रहा है तो इतना डर के काम करता है, जिस मरीज को ठीक कर सकता है लेकिन उसको भी डर के मारे भेज देता है कि कहीं इसको अगर 1% भी कुछ हो जाएगा तो उसके सर पे बात आएगी, और उसको इतना मतलब हमारे हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है कि थोड़ी सी दूर पे ही अच्छा अस्पताल हो, उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन में उसका लाइफ को थ्रेट भी रहता है। तो इसमें नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ आम लोगों का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। जो नेता है वो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ना पब्लिक से उनको मतलब है ना डॉक्टर से मतलब, उनको यह है कि अपना बस रूल कैसे करके 5 साल अपना कंप्लीट किया जाए। एनआरएस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एनआरएस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद अक्रम, ओपीडी और कैजुअलिटी चल रही है, हम लोग का सिंगल पॉइंट एजेंडा इस बात को सबके सामने लाना है, और लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड हमारे ये भी बात है कि मरीज़ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप जाके देखिए हॉस्पिटल में अभी भी सामने मरीज़ आ रहा है आपके, और ओपीडी भी चल रही है, आज वार्ड्स में भी हैं, आज सारे हम लोग के सीनियर्स जो यहाँ कंसल्टेंट हैं सब वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि एक पीसफुल तरीके से सबके पास हाँ एग्जैक्टली हम लोग को एक रिस्पेक्ट चाहिए। एक हम लोग ये जॉब सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि मतलब ये अच्छा जॉब है, इट्स गुड पेड और समथिंग लाइक दैट। एक मरीज़ को बचाने के टाइम जो एक पेशेंट को, जब आप मरता हुआ पेशेंट वापस से सांस खींचता है ना, उस चीज़ का कोई पैसा नहीं है, दैट इज़ प्राइसलेस। उस चीज़ को कोई हाईलाइट नहीं किया जाता। We want justice. मैं डॉक्टर बिस्वाल हूँ, मैं यहाँ 30 साल से कार्यरत हूँ। मैं एक पेशेंट का लाइफ बचाया, और गरीब था, उनका उनका इलाज करके उनका लाइफ बचाया। लेकिन यहाँ भी लोग फिरौती मांगने के आ जाते हैं, और एक कम्युनिटी का
30 आदमी मेरा चैम्बर में घुस के हमको उठा के ले जा रहे थे 8 तारीख दिन, वो इसी में आया है। इस कंडीशन में डॉक्टर कैसे काम करेगा, जहाँ मैंने हर पल उनका विपद है। मैं किसी को ट्रीटमेंट करने के टाइम में सबको तो नहीं बचा सकता हूँ, मैं तो मैंने भगवान नहीं हूँ, लोग मानते हैं कि भगवान है, लेकिन हम भी आदमी हूँ। और मान लीजिए कुछ हानि भी नहीं हुआ, तब भी हम लोग को जो झेलना पड़ता है, हम लोग मार्केट जाते हैं, डर डर के जाते हैं। हमारा क्यों हम डॉक्टरी पढ़ेंगे, 10 साल 14 साल रामचंद्र जैसे वनवास जाके क्यों डॉक्टरी पढ़ेंगे, कि मार खाने के लिए? यही समाज का दान है डॉक्टर के लिए। सबसे सब टारगेट डॉक्टर है, जिसको कोई नहीं मिला डॉक्टर को मारो, ये समाज के लिए हानिकारक है। और ये प्रोफेशन धीरे धीरे गुंडा का हाथ में जाएगा। और ये जो मुन्ना भाई MBBS देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मुन्ना भाई MBBS से कोई वास्तव में ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। यही मेरा संदेश है, डॉक्टर इज प्रेशियस। मेरा दो बढ़िया पुत्र है, दोनों को हम डॉक्टर नहीं बनाए। कारण ये है कि कल मेरा छोटा बेटा बहुत खुश हुआ, बाबा आप नहीं इतना बढ़िया भैया को पीट दिए, तो हम अच्छा किया, आप हमको डॉक्टर नहीं बनना है। यही संदेश हम देता हूँ पूरा देशवासी को। डॉक्टर पुष्पेंद्र है, मैं यहाँ पे DNB मेडिसिन में JR हूँ, और हम लोग इस प्रोटेस्ट के तहत सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो आज जो डॉक्टर्स के ऊपर क्राइम और वायलेंस जो बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, इसको कम करने के लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, कोई एक ऐसी धारा लागू की जाए जिसके तहत फिर आगे कोई क्राइम ना करे डॉक्टर्स के ऊपर, कोई एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स के ऊपर क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। थैंक यू।